तो वो सब आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, एंड एंड में वीडियो को मैं आपको राइट रिव्यू बताने वाला हूँ, सिटी लोकेशन क्या है, कम्फर्ट क्या है, और साथ में इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ा मेजर जो डिफरेंस है वो है ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर, जो पहले मॉडल में नहीं आया था और अब मॉडल में ग्राउंड क्लियरेंस का आया, तो वो आपको बताने वाला हूँ मैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों जावा 42 में तीन कलर आते हैं, तीनों कलर आते हैं मैट फिनिश में। तो पहला कलर आता है ब्लैक, जिसमें मटैलिक शाइन है, दूसरा कलर मैट फिनिश में रेड आता है, पहले ग्लॉसी कलर आए थे, अब ग्लॉसी कलर नहीं आ रहे, सारे मैट में आ रहे हैं, एंड तीसरा थर्ड कलर आता है वाइट में, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैट फिनिश में है। मेरा फेवरेट कलर वो मुझे ब्लैक लग रहा है, क्योंकि मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक में जो उसके मटैलिक कलर आए हैं तो बहुत ही यूनिक है, बहुत अच्छा डिजाइन है, तो मैं शुरुआत करूँगा ब्लैक से। और दोस्तों जब भी कोई रॉयल करने की सोचता है तो मार्केट में उनके दिमाग में एक ही नाम होता है मार्केट में कि जावा, वो जावा एक्चुअल में ले या ना ले, जावा बर्थ है ना नहीं है, जावा की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है और क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट है, क्या वो रॉयल फिट से अच्छी होगी, क्या रॉयल फिट अच्छी होगी, तो ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में ना वो पहले मैं क्लियर आउट कर दूँ सारे, इसके बाद ये वीडियो का आपको रिव्यू लेने वाला हूँ। बाइक का जो एक्सोरूम प्राइस है वो 1,91,142 रुपये, 1,91,142 एक्सोरूम प्राइस है, जिसकी फ्यूल कैपेसिटी 14 लीटर है एंड कंपनी हमारी 37 किलोमीटर पर लीटर पे, तो आप इस बाइक को स्विच कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी मैं आपको सारा कुछ जो डिटेल है आगे एंड में राइड रिव्यू को बताऊंगा आपको, मैं सीटिंग पोजीशन क्या है, टायर साइज क्या है, ब्रेकिंग कैसे, सब आपके दिमाग में सारा मैं क्लियर आउट आज करके दूंगा पूरी वीडियो में, एंड तक आप वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों मैं वन बाय वन आपको आगे से पीछे तक इसके सारे फीचर बताने वाला हूँ। अभी जो फीचर्स है इसका, पहला हम आते हैं डिस्क से स्टार्टिंग करेंगे, तो डिस्क का साइज है 240 mm का साइज है, एंड जो सबसे इसमें अब जो मॉडिफिकेशन आई है वो है अलॉय व्हील्स में, पहले इसमें रिम आते थे, अब रिम की जगह इसमें अलॉय व्हील आ गए हैं, एंड ये सारा मेटल है जैसा पहले आया था, लिक्विड कूल इंजन के साथ में है ये, पहले जैसा आपको इंजन में सिल्वर कोटिंग मिल रही थी, एल्युमिनियम कोटिंग थी, वो नहीं मिलेगी आपको, देखने को सारी इसमें पाउडर कोटिंग मिलने वाली है, और ये पूरा मैट में है, पूरा ब्लैक में है, इतनी भी है सारी पाउडर कोटिंग है, पहले आपको सिल्वर कोटिंग थी, क्रोम कलर के साइलेंसर से वो सब नहीं मिलने वाले अब आपको, क्योंकि ये कलर काफी यूनिक मुझे लग रहा है, एंड पूरी ब्लैक जो है ब्लैक ब्यूटी इसको कह सकते हैं, ब्लैक ब्यूटी वाला लुक आ रहा है। सो बात करते हैं इसके हेडलैम्प की, तो इसके हेडलैम्प के अंदर हैलोजन बल्ब है, जो पहले वाला ही है वो कोई चेंज नहीं हुआ है, साथ में इंडिकेटर्स भी सेम है पहले वाले, कोई चेंजेस नहीं है, जो चेंजेस है वो हैंडल पे आता है, पहले हैंडल पे साइड में बनाते हैं, अब इसमें हैंडल बार में रहते हैं, जो आप पहले परचेस करते थे मार्केट से आफ्टर मार्केट से आप बाहर से लगवाते, तो आपको दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आपको कंपनी फिटेड आते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको एडजस्ट करना हो। एंड अब आते हैं इसके मीटर गॉज के ऊपर, तो मीटर है पहले जैसे ही है, मीटर में कोई चेंजेस नहीं है, बट जो चेंज है यहाँ पे ट्रिप मीटर के बटन का आया है, जो ये ट्रिप मीटर का बटन अगर आप इसको प्रेस करते हो आपकी ऑटोमेटिक रीडिंग चेंज हो जाती है, जैसे आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक रीडिंग्स हैं वो चेंज होती हैं, ये तो पहले फीचर नहीं था अब आया है। बाकी हैंडल की ग्रिप, हैंडल का साइज सब कुछ के अंदर सेम है। तो दोस्तों आज से पीछे की तरफ में, पीछे पहले थे ड्रम ब्रेक, अब आते हैं इसमें डिस्क ब्रेक, 240 mm साइज है डिस्क ब्रेक का, तो काफ़ी अच्छे इसके ब्रेकिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। और पीछे से जो इसका कलर है, लुक है, डिज़ाइन है, बिल्कुल सेम है। साइलेंसर अगेन हर कलर में आपको पाउडर कोटिंग मिलने वाला है, कोई भी क्रोम कोटिंग नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों इसका मेजर चेंज है वो है इसकी हाइट के ऊपर, ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर, पहले ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इसका कहा गया है कंपनी में कि जो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 1 इंच उठा दी गई है, क्योंकि जो पहले इसका साइलेंसर का बैंड था यहाँ से वो सीधा था, वो अंदर की तरफ हो गया है, उसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस में 1 इंच का फर्क है पूरा पूरा। और बाकी ये तीनों कलर आप देख सकते हैं, एक कलर उसका वाइट है, मैट में है, व्हाइट कलर काफ़ी यूनिक है, आप देख सकते हैं किस तरह का डिज़ाइन है इसमें, कलर है, एंड एक ये रेड आता है, ये भी मैट फिनिश में है, काफ़ी अच्छा कलर है। और थर्ड कलर है जो ब्लैक, जो मैं आपको दिखाई रहा हूँ, और इसमें अगर आपको मैं क्लोजअप में दिखाऊँ तो मेटेलिक फिनिश है। जावा ओरिजिनल 1929 काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, तो 1929 जावा मार्केट में है, एंड जावा के अंदर डबल एक्सोस आते हैं, जो रॉयल एनफील्ड सिंगल एक्सोस आता है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपके पास, एक और प्लस पॉइंट। और साथ में ये रेडिएटर दिया हुआ है, ये लिक्विड कूल इंजन के लिए, ताकि इंजन आपका गर्म ना हो, ठंडा रहे इंजन आपका, जिससे हीट ना प्रोड्यूस हो और आपके पैरों प्रॉब्लम ना हो, ना पैर चले आपके। तो दोस्तों अभी बाइक की स्पेसिफिकेशन आपको बता दी गई है, अब मैं आपको इसका राइट रिव्यू करने वाला हूँ, राइट रिव्यू में इसकी क्वेश्चन क्या होती है और ग्राउंड क्लियरेंस में एक्चुअल में कुछ फर्क आया है नहीं आया, वो आपको वीडियो में बताऊँ, आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं जैसे कि अब जावा 42 2.1 का राइड रिव्यू करने वाला हूं, तो पहले तो अभी जो इसका बैठने का पोजीशन है वो मुझे काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है चलाने में, क्योंकि
मैं चला था रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड, जो आपने देखा होगा वीडियोस में। तो वैसे तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही बाइक, और अभी थोड़ा बाहर निकल के इसका पिकअप चेक करते हैं। तो वैसे तो जो उसका इंजन है 300 सीसी का है, कंपनी 293 सीसी क्लेम करती है, 27 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क, और जो इसके टायर का साइज है वो 90x90 का है। तो दोस्तों अभी मेरी बाइक है यहाँ न्यूट्रल, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मेरी हाइट 5'9" है और मेरे जो पैर हैं बिल्कुल सीधे आ रहे हैं, तो सीटिंग पोजिशन बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आपकी हाइट 5'2" भी है तो भी आप आराम चला सकते हो, 5'5" है तो भी आपके लिए सीटिंग पोजिशन इसकी बहुत कंफर्टेबल है, और हाथ आपके वाइड रहते हैं, बैलेंसिंग काफ़ी अच्छी है, बाइक चलाने में हैवी नहीं लगती, साउंड भी इंजन का काफ़ी कम है, काफ़ी लो नॉइज़ है जो कि आपको राइड के टाइम पर प्रॉब्लम नहीं करेगा, और जो उसकी सीटिंग पोजिशन है वो काफ़ी यूनिक है, और जो इसकी बैलेंसिंग है काफ़ी अच्छी बैलेंसिंग चल रही है, आप देख सकते हैं रोड पे। कंपनी इसकी माइलेज क्लेम करती है 37 किलोमीटर। तो अभी मैं इसको राइड कर रहा हूँ, और जैसे कि मैं आपको राइड के बताने वाला हूँ कि इसकी माइलेज क्या आने वाली है, तो अभी सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इसका। वैसे तो ओवरऑल जो इसके साइड में हैंडल बार मिरर्स हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देते हैं, काफ़ी प्यारा लुक आता है इनका, तो मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जो पहले आ रहे थे वो हैंडल में लंबे वाले मिरर आते थे वो थोड़े दिखने में अजीब लगते थे, और जो ये हैंडल बार मिरर है काफ़ी यूनिक है, आप इसको घुमा के नीचे भी लगा सकते हो, आपका कॉस्ट जो है काफ़ी बच जाती है ये बाइक लेने के बाद में, वो इसलिए बचती है क्योंकि आप मार्केट से अगर लगाते तो आपको भी काफ़ी हाई कॉस्ट के पड़ते हैं, और जो मिरर है इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कंपनी फिटेड है, जेन्युइन है, जो इसमें आपको व्यू में प्रॉब्लम नहीं आने वाली कैसी भी। अभी हम टेस्ट करेंगे बाइक का पिकअप कैसा है, तो बाइक मेरी हो गई न्यूट्रल, और अभी मैं बाइक का पिकअप चेक करने वाला हूँ, फर्स्ट गियर पर लगाई है। तो बाइक का पिकअप तो रॉयल एनफील्ड से काफ़ी ज़्यादा आगे है, बाइक पूरी गोली है, और बाइक की ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, जो क्योंकि डबल डिस्क है, पहले सिंगल डिस्क आ रहा था इसमें, अभी आगे डिस्क था पीछे ड्रम था, एंड एबीएस है, कॉम्बी एबीएस है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, सीटिंग पोजीशन के हिसाब से आपको बाइक चलाने ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो अगर किसी को रॉयल एनफील्ड से स्विच करना हो जावा पे, तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जावा पे आइए एंड जावा पे स्विच करो, जावा को यूज़ करो, टेस्ट राइड तो एटलीस्ट आप ले लो, आपको पता लग जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बैलेंसिंग का क्या डिफरेंस है, और ब्रेकिंग का क्या रोल है, ब्रेक्स कैसे हैं इसके, सीटिंग मोशन कैसी है, जो मुझे काफ़ी यूनिक लगी है, काफ़ी अच्छी लगी है। हाँ बस थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग चीज़ की ये लगी है कि जो उसकी सीट है वो थोड़ी छोटी है, सीट की जो लेंथ है लेंथ कम है ओवरऑल रॉयल एनफील्ड के हिसाब से, बाकी तो मुझे बाइक में भी तो कोई कमी महसूस नहीं हुई है। और आता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर, क्योंकि अगर आप सिटी में घूम रहे हो तो सिटी में तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं ग्राउंड क्लियरेंस की, अगर आप हाँ हिल्स पे जाते हो ऑफ रोडिंग करते हो तब आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और वो हल्की फुल्की हर बाइक में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको ग्राउंड क्लियरेंस की। बाकी अभी दावा ने ग्राउंड क्लियरेंस को इम्प्रूव करा है 2.1 मॉडल के अंदर। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आज ये बाइक पूरे सिटी कंडीशन पर मैंने राइड करी है, तो मुझे बाइक की जो माइलेज है वो 32 मिली है, तो मैं दिल्ली सिटी में राइड कर रहा हूँ बाइक को, इको मोड पे बाइक मैं चला रहा हूँ आज, तो मुझे 32 की इसकी माइलेज मिली है। आज मैंने बाइक को और कंडीशन में चलाया है इको मोड पे, टॉप स्पीड पे, ट्रैफिक में भी, तो जैसा भी आप देख सकते हैं हल्का फुल्का ट्रैफिक है, और तो मुझे बाइक की जो माइलेज क्लेम हुई है, माइलेज मुझे बाइक की 32 मिली है, तो नॉट बैड, गुड है, अच्छी माइलेज है, क्योंकि 300 सीसी का इंजन है, उस हिसाब से जो माइलेज है इसकी जावा की 42 2.1 मॉडल की काफ़ी अच्छी है, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको, आप जावा परचेस कर सकते हो अगर आपको जावा का लुक, सीटिंग पोजीशन, कंफर्ट पसंद आता है तो। बाकी सबकी पसंद अपनी अलग अलग होती है, जो आपको पसंद आए आप वही ले सकते हो। मुझे तो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे जावा चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, एक तो कम्फर्ट है बहुत अच्छा है, और काफ़ी स्मूथ है चलाने में, जो इसके एग्जॉस्ट है एग्जॉस्ट का साउंड भी इसका बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है एग्जॉस्ट का, तो मुझे तो एग्जॉस्ट के साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है, और साइलेंट बाइक है, स्मूथ काफ़ी है, काफ़ी स्मूथनेस है बाइक के अंदर, पहले से काफ़ी इंप्रूव करा जा बने अपने आप को। आगे दोस्तों मैं अब चलता हूँ और इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल अपडेट रहें, ताकि आप मेरे आने वाले अपडेट्स को ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों आप सबसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो